वेलकम टू माय चैनल तरफेस रेसिपी। फ्रेंड्स, आज हम जो रेसिपी बनाने जा रहे हैं वो मुंबई की सबसे फेवरेट लंच, डिनर या स्नैक, आप कोई भी टाइम ये खा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं वड़ा पाव की स्पेशल चटनी। वड़ा पाव में अगर लाल चटनी सूखा वाला नहीं होगा तो उसका टेस्ट एकदम फीका हो जाएगा। तो आज बनाने जा रहे हैं टेंगी सूखा वाला चटनी। सूखा चटनी बनाने के लिए हमें सूखा नारियल लगेगा, अराउंड 50 ग्राम जितना नारियल है, जिसे मैंने लंबा लंबा स्लाइस कर लिया है, और 8 से 10 कली लहसुन है, नॉर्मल लहसुन ही लेना है, रोस्ट किया हुआ मूंगफली का दाना है जो अराउंड 1/4 कप है, उसके साथ 1 टेबल स्पून तिल, 1/2 टेबल स्पून जीरा, 1/2 टेबल स्पून ब्लैक नमक और 1/2 टेबल स्पून वाइट सॉल्ट, और उसके साथ 2 टेबल स्पून जितना रेड चिली कश्मीरी पाउडर। सबसे पहले एक पैन में 1 चम्मच जितना ऑयल हम ऐड करेंगे। ज्यादा ऑयल इसमें ऐड नहीं करना है बिकॉज मूंगफली में और नारियल में ऑलरेडी ऑयल का मात्रा ज्यादा ही रहता है, इसीलिए 1 चम्मच जितना ही ऑयल उसके अंदर ऐड करना है, लहसुन, और उसे हम रोस्ट करेंगे। फूटने लगेगा लहसुन जैसे ही रोस्ट होगा, तो बस तभी ही हमें ऐड कर देना है साथ में नारियल, जिससे भी हमें रोस्ट करना है। ये सारी चीजों को एकदम मीडियम आंच पे रोस्ट करनी है। जैसे ही रोस्ट होना चालू होगा, नारियल जो है वो अपना कलर चेंज करता रहेगा, डार्क ब्राउन हमें कलर करना है उसका, उतनी टाइम रोस्ट करना है। दिख रहे हैं हल्का हल्का कलर चेंज होने लगा है, तो तभी ही हम ऐड करेंगे तिल, जीरा और मूंगफली के दाने। मूंगफली के दाने मैंने रोस्ट करके लिए हैं, इसलिए मैं लास्ट में ऐड कर रही हूँ। अगर आप कच्चे वाले लेते हैं तो पहले से ही ऐड कर दीजिए ताकि साथ में ही ये रोस्ट हो जाए। बस अराउंड 5 मिनट तक भुनने के बाद ये रेडी हो गया है, तो हम गैस टर्न ऑफ करते हैं और इसे एक चौड़े बर्तन में फैला लेते हैं ताकि ये जल्दी से ठंडा हो जाए। हमारा जो रोस्ट किया हुआ मिश्रण है वो एकदम ही ठंडा हो गया है, रूम टेम्परेचर पे आ गया है। बस इसे हम दरदरा पीसना है, तो मिक्सर जार में ऐड करते हैं। इसी के साथ ऐड करते हैं नमक और काला नमक और साथ में रेड चिली पाउडर। इसे हमें दरदरा ही पीसना है, एकदम फाइन पेस्ट पाउडर जैसा नहीं बनाना है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं एकदम दरदरा और सूखा वाला एकदम ही ड्राई चटनी है। ये हमारा रेडी हो गया है वड़ा पाव का एकदम ही टेम्प्टिंग चटनी, जिसे हम पहले से ही बना के रख सकते हैं, और जब भी वड़ा पाव खाने का मन हो तो इसे हम यूज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, देखते रहिए मेरा चैनल तरफेस रेसिपी, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर क्लिक कीजिए ताकि ऐसे ही मेरे वीडियो जल्द से जल्द आप तक पहुंच पाए। लेकिन हाँ, आप कमेंट में आपके एक्सपीरियंस जरूर शेयर कीजिए, मुझे बहुत ही पसंद आएगा।